7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में जन्मे 82 वर्षीय जितेंद्र हमेशा से ही दर्शकों के बीच एक ही मैन की तरह उभरे और इनके अभिनय की, इनकी एक्टिंग की तारीफ पूरी दुनिया ने की। और आज 82 वर्षीय जितेंद्र को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और इनके निधन की खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे मीडिया रिपोर्टर्स का कहना है कि शोभा कपूर, तुषार कपूर और एकता कपूर जो कि इनकी फैमिली है, उन्होंने जितेंद्र के निधन की खबरों को सीक्रेट रखा है और इनकी तबीयत काफ़ी समय से बिगड़ी हुई थी, इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आपको जानकर ये काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि अब तक फैमिली की तरफ से उनके निधन के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है, पर लगातार मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के लगातार वार्ड बॉयज से मीडिया रिपोर्टर्स बातचीत में लगे हुए हैं और उनकी हालत जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। दोस्तों अगर आप भी जितेंद्र के फैन हैं तो प्लीज़ कमेंट में आइए और गेट वेल सून जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल हम सभी की तरफ से ढेर सारी दुआएं हैं जितेंद्र के लिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक होकर हॉस्पिटल से घर वापस लौट आए। तो दोस्तों क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में आपको? अगर आपने भी जितेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर विश्वास कर लिया था तो ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितेंद्र जो है वो बिल्कुल ठीक है, हालांकि बहुत ही जल्द वो हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।